हाय, मेरा नाम है सोनल और आप नहीं करने वाले हैं ये वीडियो स्किप, क्योंकि अगर आपने वीडियो स्किप कर दिया तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि आप देख रहे हैं दी लेलन टॉप और सोशल लिस्ट आपने देखना शुरू कर दिया है। ये मैंने नहीं, मेरे प्रोड्यूसर ने लिखा है। सबसे पहले करते हैं बात कि आज के शो में क्या है खास। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ध्रुव राठी क्या बोले, साइड मांगने का तरीका बहुत ही ज्यादा कैजुअल है, ठंड से बचने के लिए इंसान क्या क्या नहीं करता, और पिक ऑफ द डे में दिखाएंगे कि किस तरह आप बना सकते हैं लजीज खाना। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद 23 जनवरी को आया ध्रुव राठी का वीडियो। इस वीडियो का टाइटल था राम मंदिर द अनटोल्ड ट्रुथ अबाउट राम्स एग्जाइल। वीडियो शुरू हुआ, पहले प्राण प्रतिष्ठा के बारे में बताया और कहा गया कि इस वीडियो में वो श्री राम की क्वालिटी को डिस्कस करेंगे। ध्रुव राठी ने कहा कि राम का नाम लेना तो बहुत आसान है, लेकिन श्री राम की वैल्यूज और प्रिंसिपल्स सीखना और उन्हें अपने ऊपर अप्लाई करना बहुत मुश्किल। इसके बाद वो बताते हैं कि कौन प्राण प्रतिष्ठा में गया, कौन नहीं गया और क्यों नहीं गया, बॉलीवुड और पॉलिटिक्स से किसे आने का न्योता मिला था, किसे नहीं, ये भी बताया। साथ में शंकराचार्य के ना आने की वजह बताई और शंकराचार्य के इस फैसले के बाद उन्हें कैसे ट्रोल किया गया, उसके खिलाफ फेक न्यूज कैसे फैलाई गई, ये भी बताया। सत्ता पाने के लिए अशोक और औरंगजेब ने क्या किया था और राम ने क्या किया था, इसकी तुलना की और आगे वीडियो में वो राम की खूबी बताते नजर आए। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में किसी ने इसे पॉलिटिकल एजेंडा बना दिया, किसी ने कहा कि ये वही है जो राम मंदिर बनने के खिलाफ था। पॉजिटिव कमेंट्स भी आए, लिखा गया कि एक बार फिर सच बोलने के लिए आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट ध्रुव। एक यूजर ने लिखा कि सच दिखाने के लिए हमें आप जैसे लोगों की जरूरत है। वीडियो काट काट कर ट्विटर पर भी लगाया गया, लिखा गया कि ये ध्रुव राठी वही इंसान है जो मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे कहकर बीजेपी का मजाक उड़ाता था। अब देखिए कि साधुओं की लिंचिंग पर शंकराचार्य की चुप्पी पर सवाल उठाने वाले मेरे ट्वीट्स का इस्तेमाल कर उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा है। एक ने लिखा, ध्रुव राठी जिसे हिंदू अंधविश्वास से परेशानी थी, अब कह रहा है कि राम मंदिर का निर्माण पूरा होने से पहले उद्घाटन करना बुरा है। एक और ट्वीट आया, लिखा गया कि इस वीडियो का टाइटल देखिए और वीडियो देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि इसने बीजेपी के महत्व को घटा दिया है। उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि वहां मंदिर था, उन्होंने ये क्यों नहीं बताया कि कांग्रेस कोर्ट में मंदिर के खिलाफ कैसे थी। पहले हाफ में बस भाजपा को नीचा दिखाते हैं और आखिरी पार्ट में भगवान राम के अच्छे गुणों की बात करते हैं। ये सॉफ्ट ब्रेन वॉशिंग है। लोग सम्राट अशोक और औरंगजेब की तुलना पर भी ध्रुव राठी पर उखड़ गए। एक ट्वीट था जिसमें उसी वीडियो के दो क्लिप्स लगाई थी और लिखा था, अभी ध्रुव राठी सर का वीडियो देखा, मुझे आपके यानी ध्रुव राठी के वीडियोज वैसे तो पसंद है, मगर इस बार आपसे नाराज हूँ क्योंकि आपने एक ऐसे इंसान जिसने अपना पूरा जीवन देश को एकजुट करने में लगा दिया, उसकी तुलना ऐसे पागल से कर दी जिसने अपने पूरे जीवन काल में हत्या करने के अलावा कुछ नहीं किया। दुनिया में मुश्किल क्या है, मतलब सबसे मुश्किल क्या है? जैनब की मम्मी के मुंह से दुआ के पापा सुन पाना, अरविंद भैया के लेग से चिप बचा पाना, स्थान विशेष में दही मिलने के वीडियो से बच पाना और थंपर की क्यूटनेस से बच पाना। जवाब है नहीं। सबसे मुश्किल होता है सड़क पर आगे चलती गाड़ी से साइड ले पाना, लेकिन मुश्किलों को पार करके अगर आगे गाड़ी बढ़ा लेने वाले को ही तो हम उस्ताद कहते हैं। जरूरी नहीं कि हर बार स्किल्स लगाई जाए, कई बार दिमाग लगाकर भी ये काम हो सकता है। ऐसा एक वीडियो दिखा जशन नाम के इंस्टा अकाउंट पर, दिखता है कि सामने एक टैक्सी जा रही है, गाड़ी के पीछे डिस्प्ले में नंबर लिखा है, भाई लोग उस नंबर पर कॉल करते हैं, साइड मांगते हैं, साइड मिल भी जाती है और इंस्टा पर 50 लाख व्यू भी। वीडियो असल मायने में वायरल है क्योंकि एक दिन में इतने व्यू आए हैं, आप भी देखिए। हेलो आरटी वाले भाजी, हेलो आरटी वाले भाजी, हां जी भाजी मारियो साइड दे दो यार। जतन वर्मा का अकाउंट है लखनऊ वाले 2 नाम से, एक गजब का वीडियो डाला जो जितना मजेदार है उतना ही खतरनाक, उतना ही जुगाड़ू और उतना ही न दोहराए जाने लायक। जितना इसे देखकर ये क्या हो रहा है वाला फील आया, उतना ही चालान कटवाओ इनका वाला भी भाव आया। नजर आता है कि एक स्कूटी पर 3 लोग जा रहे हैं और सर्दी इतनी ज्यादा है कि स्कूटी के अंत में बैठी महिला हाथ में तगाड़ी लेकर बैठी और उसमें आग जल रही है। बाइक वाले लड़के पूछते हैं कि ई का करती हा, तो जवाब आता है का करें, और फिर शायद सर्दी से जुड़ी कोई बात बताई जा रही है। बात सर्दी से जुड़ी ना भी हो तब भी ऐसे तगाड़ी में आग लगाकर गाड़ी में ले जाना अजूबा है और बहुत खतरनाक है, क्योंकि उड़ती हुई चिंगारी और आग कपड़ों में लग सकती है, स्कूटी पर या पीछे के वाहनों पर गिर सकती है। मतलब 13 लाख लोग ये वीडियो देख चुके हैं, आप भी देख ही लीजिए। घटना हो जाती है।
ये स्टंट देखा, लोग बोले अगर फायर बढ़ गई तो सब घोस्ट राइडर बन जाएंगे। किसी ने कहा इंडिया इज नॉट फॉर बिगनर्स, आई रिपीट इंडिया इज नॉट फॉर बिगनर्स। एक यूजर ने लिखा शिवाव ब्रह्मास्त्र क्राइंग इन द कॉर्नर, हाँ आंटी भी कह सकती हैं, कुछ रिश्ता है मेरा आग से। एक यूजर का कहना था सर्दी से बचने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल है। ऊपर किसी ने लिखा कि इंडिया बिगनर्स के लिए नहीं है, तो कोई कहता मिला इंडिया एक्सपर्ट्स तक के लिए नहीं है। अब इस शो में बारी है पिक ऑफ द डे की, और पिक ऑफ द डे में आज का अकाउंट है ईशान नागपाल का। इनका यूजर नेम है इंडियन बावर्ची। ईशान एक शेफ हैं, मजेदार खाना बनाना सिखाते हैं। इनके वीडियो देखने में मतलब अच्छे होने के साथ साथ बड़े लजीज होते हैं, वीडियो देखकर मुंह में पानी आ जाता है। लॉन्ग वीकेंड है, इनका प्रोफाइल पर पहुंच जाओ, कुछ देखो सीखो बनाओ, हमको बताना, हम आ जाएंगे खाने। अब हम चलते हैं।